नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा मौर्य है। दोस्तों आज मैं आपको पांच ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। खासकर दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों टॉप 5 GK ऐप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट पॉपुलर भी हैं और उनकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले अपने को प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों हमको टाइप करना है 60,000 GK। जैसे आप दोस्तों प्रेस करेंगे जो पहला ऐप आएगा उसको हमको सिंपली ओपन करना है। जैसे हमने ओपन कर दिया दोस्तों, आप देख रहे हैं उसका होम पेज कुछ इस तरह आएगा। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग इसमें दिए हुए हैं, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग चैप्टर दिए हुए, इंग्लिश चैप्टर वाइज, रैंडम चैप्टर वाइज। फिलहाल में अगर हम हिंदी में टच करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं पूरे हिंदी से रिलेटेड सब आ जाएंगे जो भी हमको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो भारत, विश्व, संविधान, विज्ञान, भूगोल सब आ जाएगा दोस्तों। जैसे भारत के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा आ गया यहाँ पे GK। उसके बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से इसमें अलग अलग फ़ीचर्स देख सकते हैं दोस्तों, विश्व के भी ये भी हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रैंडम के हिसाब से भी है, अगर आप देखना चाहते हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 तो इस हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। देख सकते हैं समान ज्ञान 1, समान ज्ञान 2 कुछ इस तरह उन्होंने दोस्तों दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम और आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें क्विज भी है, रैंडम भी है, चैप्टर वाइज है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, इंटेलिजेंट है, करेंट अफेयर्स है। दोस्तों अगर हम करेंट अफेयर्स में टच करेंगे तो देख सकते हैं पूरा करेंट अफेयर आ गया अप्रैल 2020 तक। ये देखो दोस्तों हम अप्रैल, फिर उसके बाद डेट वाइज है दोस्तों, सबसे अच्छी बात है। सिंपली अगर आप उस डेट में टच करेंगे देख सकते हैं दोस्तों डेट वाइज इन्होंने दे दिया हुआ है, टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है सपोज अगर आप किसी पे क्लिक करते हैं आंसर गलत होता है तो इन्होंने देखो पूरा डिटेल्स बताएगा यहाँ पे नीचे कि टाटा पावर जॉर्जिया किस हिसाब से क्या कैसे करना है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स या किसी ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं ये ऐप खुद यूज करता हूँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी ऐप है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और दोस्तों आज मैं एक दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा दोस्तों उस ऐप का नाम है Lucent GK। जैसे दोस्तों आप प्ले स्टोर पर Lucent GK टाइप करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे Lucent Objective GK इन हिंदी ऑफलाइन है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों ऑफलाइन है। इसकी रेटिंग भी दोस्तों 4.5 की है, 1 मिलियन डाउनलोड भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी रेटिंग लोगों ने दिया हुआ है। 5 स्टार की इसको रेटिंग मिली हुई है, यानी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन आप एक हिसाब से देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो इसको दोस्तों ओपन करेंगे दोस्तों उसका होम पेज कुछ इस तरह आएगा। इसमें आपको अलग अलग दिए रहेंगे, जैसे हमको इतिहास से रिलेटेड पढ़ना हो, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और 20 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो हिस्ट्री ऑफ एशिया, जैसे हम XYZ Level 2 ले ले रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं सब आ गए। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। एक हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो भूगोल भी है, विज्ञान भी है, संविधान भी है, अर्थव्यवस्था है, कला संस्कृति है, खेल है, कंप्यूटर है, विविध है, हिंदी है। जैसे फिलहाल मैं आपको कंप्यूटर दिखा दे रहा हूँ तो मेमोरी से रिलेटेड दोस्तों कंप्यूटर में जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे सब आ जाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों। और दोस्तों एक तीसरा एप्लीकेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन का नाम दोस्तों GS पॉइंटर हिंदी है। सिंपली आप टाइप करेंगे उसके बाद दूसरे नंबर जो ऐप आता है इसको ओपन करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी भी काफ़ी अच्छी दोस्तों फीडबैक मिला हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिंपली हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका होम पेज कुछ इस तरह आएगा अलग अलग प्रकार से। दोस्तों क्वेश्चन सब में अलग अलग रहेंगे, अगर आपको लगता है कि उस एप्लीकेशन में एक ही क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है, सारे अलग अलग रहेंगे दोस्तों। इसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको जो भी पढ़ना हो दोस्तों। चौथी एप्लीकेशन दोस्तों हमारी स्पीडी है, स्पीडी करेंट अफेयर्स। जैसे दोस्तों आप प्ले स्टोर पर स्पीडी टाइप करेंगे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, आप देख सकते हैं स्पीडी करेंट अफेयर्स इस तरह कुछ आएगा दोस्तों। इसको दोस्तों सिंपली आप ओपन करेंगे, इसका देखेंगे दोस्तों फ्रंट पेज कुछ इस तरह रहेगा दोस्तों। इसमें आपको लेटेस्ट करेंट अफेयर प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों, कौन क्या है, किस प्रकार से है दोस्तों, सब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, आप अपने हिसाब से दोस्तों देख सकते हैं जो भी चैप्टर आपको पसंद लगे यहाँ से आप उसको रीड कर सकते हैं दोस्तों। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों।
एप्लीकेशन दोस्तों हमारी है करेंट अफेयर्स इन हिंदी। इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको 1 ईयर के पूरे करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे दोस्तों आप टाइप करके सर्च करेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये वाली एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी। सिंपली दोस्तों आपको ओपन कर लेना है, जैसे हमने ओपन कर लिया उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नॉलेज है, उसके बाद अप्रैल मार्च फरवरी आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग जी मंथ के हिसाब से करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों। जैसे इंपॉर्टेंट नॉलेज में हम क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग सूची आपको दी गई है, आपको जो भी सही लगे आप अपने हिसाब से दोस्तों पढ़ सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, देख सकते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस हिसाब से इसमें पूरा मेंशन किया गया है। दोस्तों मैं ये एप्लीकेशन दोस्तों खुद यूज करता हूँ, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।